गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज़ ऑफ मैक्स डिवाइन प्ले स्कूल। टूडे इज़ आर ड्राइंग टर्न। आज हमारा ड्राइंग टर्न है और ड्राइंग में हम करेंगे कलर्स। आपको ये दिख रहा है? व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? फ्लावर। व्हाट इज़ दिस? फ्लावर। अच्छा, यहाँ पर टू फ्लावर्स है ना, वन एक फ्लावर ये है और दूसरा ये है, टू फ्लावर्स हैं। इस फ्लावर पे कलर होगा वो है और इस फ्लावर पे नहीं है, ये ब्लैंक है। इस पे सिर्फ आउटलाइंस हुई हुई हैं। हमें पहले इसको कंप्लीट करना है, फिर हम इसमें कलर करेंगे। ओके, तो हमें ये वाला जो फ्लावर है, इस फ्लावर को इस वाले फ्लावर के जैसा बनाना है। तो हम सबसे पहले ब्लैक स्केच लेंगे। ओके, ब्लैक स्केच। हम ब्लैक स्केच से ये जो फ्लावर है, ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं, इस पर ट्रेसिंग करेंगे ताकि फ्लावर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो अब आपने हाथ में ब्लैक स्केच ले लीजिए और यहाँ से ऐसे करके इसकी हम ट्रेसिंग करेंगे। ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ठीक। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे लेकर ऐसे कर दिया, देन ऐसे ऐसे डॉट डॉट हम मिलाते हुए चलेंगे और हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। ऐसे ऐसे इसको आपने ब्लैक स्केच से करना है। ओके, ब्लैक कलर कौन सा होता है? जैसे आपके हेयर का कलर है, आप ब्लैक कलर उठाएंगे, सबसे पहले ऐसे जो डॉट्स बने हुए हैं उस पर ट्रेसिंग कर देंगे। एक बीच में ऐसे भी है, ऐसे किया, ऐसे ऐसे, ये और ये, और बीच में डॉट डॉट्स हैं। ब्लैक स्केच से आप ऐसे डॉट्स भी कर देंगे। ओके, नाउ क्या करेंगे? अब हम कलर फिल करेंगे, येलो, ठीक है। तो आप येलो कलर ले लीजिए और यहाँ फिल करना है, यहाँ फिल करिए ऐसे अपने हाथ में कलर पकड़ के, और इसको ऐसे ऐसे करके अच्छे से फिल करना है। ये जो आपने ब्लैक लाइन आउटलाइन की है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, ऐसे किया, ऐसे कर दिया और हमने ऐसे करके फिल कर दिया। ये हमारे फिल हो गया। अब इसको करेंगे अच्छे से, ऐसे कर दीजिए, इसको हमें अच्छे से फिल करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ओके, हमारी ब्लैक वो तो छुपी गई। ऐसे किया अच्छे से, यहाँ से लेकर आए, इसे नीचे लेकर आए, हम सब में ऐसे कलर फिल कर देंगे। ये ब्लैक आउटलाइन ऐसे कर देंगे आप। ओके, अब हम यहाँ सॉरी कलर चेंज करेंगे, येलो कलर करेंगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं? फ्लावर, फ्लावर में कलर किया है हमने, ठीक है। आपने ऐसे ही ये कंप्लीट करना है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये यहाँ पे भी कलर फिल कर देंगे इसमें से देखकर, येलो। ओके, मैं ऐड कर देती हूँ। ऐसे ऐसे करके ब्लैक डॉट्स हटा के आपको यहाँ पे येलो कलर फिल करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर ब्राउन कलर, ठीक है। तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। ऐसे आपको फ्लावर कंप्लीट करना है अपना। देन आया है ब्रिंजल। व्हाट इज़ दिस? ब्रिंजल, इसे कहते हैं ब्रिंजल। ये यहाँ पे भी टू ब्रिंजल्स हैं, वन एंड टू। ये वाला ब्रिंजल कंप्लीट है, इसमें कलर भी हुआ हुआ है, बिल्कुल रेडी दिख रहा है हमें। बट ये वाला इनकम्प्लीट है, तो हम इस वाले ब्रिंजल को इस वाले ब्रिंजल की तरह कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले हम ब्लैक स्केच ले लेते हैं और जैसे कि हमने इस पर ट्रेसिंग की थी लास्ट पिक्चर पे, इस पर भी ट्रेसिंग करेंगे। ऐसे 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 ऐसे, ठीक। फिर यहाँ से इसको ऐसे किया, ऐसे कर दिया, ठीक। यहाँ पे हमारी ट्रेसिंग हुई थी इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। हाफ ब्रिंजल पे हमारी ट्रेसिंग नहीं हुई हुई थी तो हमने उसे कंप्लीट कर दिया है।
देन आप ग्रीन कलर लेंगे और यहाँ ऊपर उसकी ग्रीन, यहाँ ग्रीन कलर करेंगे। अच्छा अच्छा करना है आपने, नीट एंड क्लीन। ओके ग्रीन के बाद ब्रिंजल किस कलर का होता है? पर्पल। तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कलर पकड़ के पर्पल वाला, और इसको ऐसे फिल कर देंगे। याद रहे आप ये जो ब्रिंजल है और ये जो ब्लैक आउटलाइन है, इससे आपका कलर बाहर नहीं निकलेगा। अच्छे से करना है, अंदर अंदर रखना है कलर, और अपना ब्रिंजल रेडी करना है। ऐसे ऐसे करके आप कलर कर देंगे, फिर आपका ब्रिंजल रेडी हो जाएगा। ओके आप सबने बहुत अच्छे से कलर करना है। ये हमने किया है पर्पल कलर और ये है ग्रीन कलर, ठीक है। हमने ब्रिंजल पे कलर किया है, फ्लावर पे कलर किया है। ओके और आपको भी नीट एंड क्लीन करना है अच्छे से, अच्छे से किएगा। ये जो आउटलाइन है इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर। ओके और ये है ब्रिंजल। ओके थैंक यू।